नमस्कार, शिखा तिवारी, तिवारी किचन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाएंगे सूखी लाल मिर्चों की चटनी। इसको मैंने 3-4 घंटे पानी में भिगो दिया था ताकि ये नरम हो जाए, और इसके बाद हमें इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है मिक्सी में। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप बीज मत निकालिए, और अगर आप कम तीखा खाते हैं तो इसका बीज निकाल दीजिए। इसके साथ और सामान जो हमें लगेगा वो है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने कद्दूकस कर दिया है। रिफाइंड तेल इसमें ज़्यादा लगता है, और चीनी स्वाद अनुसार डालनी है आपने। लहसुन की 3 गठियाँ मैंने ली हैं, जिसको मैंने बहुत बारीक काट लिया है, और नमक भी स्वाद अनुसार लेना है। नींबू का सत लेना है प्रिजर्व करने के लिए, और इसमें वाइट वाला सफ़ेद सिरका जो है वो सफ़ेद सिरका लेना है। तो चलिए इसका बारीक पेस्ट बना लेते हैं मिर्चों का। मिर्ची का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, अब गैस ऑन कर देते हैं। इसमें हम रिफाइंड तेल डाल देंगे, ये पूरा का पूरा तेल डाल लेना है। तेल हमारा देखिए गरम हो गया है, अब इसमें सबसे पहले लहसुन डाल देंगे। लहसुन को हमने सुनहरी नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए बस उतना ही। अब इसमें हम डालेंगे कद्दूकस की हुई अदरक, इसको भी थोड़ा सा हिला लेंगे। अब इसमें जो पेस्ट तैयार किया है लाल मिर्ची का वो डाल देंगे। और इसको पकाना है। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक हमारा तेल ऊपर ना आ जाए। देखिए तेल ऊपर आ गया है, इसका मतलब ये पक गई है। अब इसमें हम जो है जो हमने चीनी ली है करीब करीब 2 छोटे चम्मच वो डाल देंगे। नमक आप स्वाद के अनुसार से हिसाब से डालेंगे, ये 1 से 1.5 चम्मच नमक है। और इसमें नींबू का सत जो है आधा छोटी चम्मच से नींबू का सत ये भी मिला देंगे, और सफ़ेद सिरका है वो हमने बड़े चम्मच से 2 चम्मच इसमें डाल देना है, और इसको अच्छे से पका देंगे। देखिए इसका तेल भी एकदम ऊपर आ गया है और ये अच्छी तरह से पक गई है। अब इसको आपने ठंडा कर लेना है। देखिए ये ठंडा हो गया है, अभी एक मैंने कांच की बोतल ली है, इसको मैंने अच्छे से धुल के सुखा लिया था, और इसको इसमें डाल देंगे हम। ये हमारी लाल मिर्चों की चटनी तैयार है। इसको आप नूडल्स के साथ, नूडल्स में मैक्रोनी, पास्ता या कोई स्नैक्स हो उसके साथ खा सकते हैं। तीखी बहुत होती है इसलिए थोड़ा ध्यान से खाइएगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आपको, लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट करके बताइए कैसी लगी चटनी आपको। थैंक्स टू ऑल।